दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां जाना हम सभी का सपना होता है। सभी दिशाओं में फैले हुए बर्फ के मैदान और रंग बिरंगी वादियों के बीच चलती हुई ट्रेन हम सभी का मन मोह लेती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में चलने वाली इस अनोखी ट्रेन की, जिसका नाम है ग्लेशियर एक्सप्रेस। वैसे तो ये एक्सप्रेस है, लेकिन इसे दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली एक्सप्रेस माना जाता है, क्योंकि महज 290 किलोमीटर चलने में ही इसे 10 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन इस ट्रेन से दिखने वाले बर्फ के पहाड़, रंग बिरंगे फूलों से सजी वादियां और बर्फीले मैदानों में आप इतने खो जाएंगे कि आपके ये 10 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो 91 गुफाओं और 291 पुलों से चलने वाली इस ट्रेन का सफर साल भर चलता है, लेकिन हर मौसम में इसका रंग अलग ही होता है। गर्मियों में ऊंचे ऊंचे चमकते पहाड़ दिखाई देते हैं, तो वहीं ठंड में पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। बसंत में जहां फूलों से सजी वादियां, तो शरद में रंग बिरंगी छटा बिखर जाती है। इसीलिए इसे दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे ट्रैक माना जाता है। सफर में आपके लंच और ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम होता है और आप खाते पीते इन नजारों का आनंद ले सकते हैं। यह ट्रेन स्विट्जरलैंड के दो रिसॉर्ट जॉर्मेट और सेंट मॉरिट्स को जोड़ती है, जिसे साल 1930 में चालू किया गया था। जब इसे चालू किया गया था, तब यह केवल गर्मियों में चलती थी, क्योंकि बर्फीली पहाड़ियों में कोई आता जाता नहीं था। उस समय इस ट्रेन में पैसेंजर के डब्बे लगाए जाते थे, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती थी। उस समय लोगों को इसमें टॉयलेट तक की सुविधा नहीं मिलती थी। हालांकि समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव हुए और आज दुनिया की सबसे स्लो ट्रेन होने के बावजूद दुनिया भर के लोग इसका अनुभव लेने यहां आते हैं। अगली बार आप जब भी स्विट्जरलैंड जाने का प्लान करें, तो इस ट्रेन में घूमना मत भूलिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।